यूपी, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और पंजाब के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के बागी गुट यानी G23 के नेताओं द्वारा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और ऐसा भी कहा जा रहा था कि गांधी परिवार और G23 के नेताओं के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन गांधी परिवार और बागी गुट G23 के नेताओं के संबंध और पार्टी में चल रहे असंतुष्टि को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, मैं रोहित तिवारी स्कूप बीट में सभी का स्वागत करता हूँ। कांग्रेस की भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई मुक्त भारत अभियान की भोपाल में शुरुआत करने के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ ने कहा, पार्टी में अब कोई असंतुष्टि नहीं है और उन्होंने ये भी दावा किया कि सभी नेता उनके संपर्क में हैं और संगठन चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है, जल्द ही सारी चीजें सामने आ जाएंगी। उन्होंने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। एक सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि मुझे किसी पद और कुर्सी का मुंह नहीं है, जब भी पद छोड़ने के लिए कहा जाएगा मैं तत्काल छोड़ दूंगा। गौर करने वाली बात यह है कि कमलनाथ अभी कांग्रेस मध्य प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों हैं। G23 के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि हमने वर्षों तक साथ मिलकर काम किया, सभी से मेरे अच्छे संबंध है और सबके साथ मैं व्यक्तिगत संपर्क में भी हूँ। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सिर्फ वाहन ही नहीं बल्कि खाद्य पदार्थ, दूध, सब्जी, दवाइयाँ और रोजमर्रा के उपयोग की चीजें भी प्रभावित होती हैं। तो केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि महंगाई इतनी ना बढ़ जाए कि आम जनता इससे परेशान रहे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट कर हमें जरूर बताएं और राजनीति की ऐसी खबरों के लिए स्कूप बिट्स को फॉलो करते रहें।